हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 लेसन 3 द राइट चॉइस, यानी सही चुनाव। उसी लेसन का प्रश्न और उत्तर लेके आए हैं, जिस कहानी को आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पढ़े और बहुत ढेर सारी सीख हासिल किए, तो उसी का प्रश्न और उत्तर लेके आए हैं और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको समझने या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। द राइट चॉइस का मतलब होता है सही चुनाव। इस कहानी में राकेश नामक लड़का रहता है, तो ढेर सारी घटना इस लेसन में हुई है और पूरी घटना के बारे में आप लोगों ने जानकारी हासिल की है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, तो आपको बताना है। कहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डिड द पेरेंट्स नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, माता पिता मुकेश को परेशान क्यों नहीं करना चाहते थे। आंसर है, मुकेश वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज बोर्ड एग्जाम्स, मुकेश अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था। देयरफॉर द पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, इसलिए माता पिता मुकेश को परेशान नहीं करना चाहते थे। उस लेसन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुकेश रहता है वह अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो इसलिए उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को परेशान किया जाए या परेशान हो। और अगला दिया गया है क्वेश्चन बी, व्हाई डिड द मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, माँ ने बिजली मिस्त्री को क्यों बुलाया। आंसर है, द टेबल लैम्प ऑफ मुकेश रूम वॉज नॉट वर्किंग, मुकेश के कमरे का टेबल लैम्प काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए माता ने कहा कि जाकर इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली वाले बिजली मिस्त्री को बुला लाओ। टू रिपेयर इट द मदर कॉल्ड द इलेक्ट्रीशियन, उसकी मरम्मत के लिए माँ ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया। क्वेश्चन नंबर सी है, वाट वॉज मुकेश ईगर टू डू, मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था। आप लोगों ने लेसन पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा किस लिए वह उत्सुक था। आंसर है, मुकेश वाज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट टू रिपेयर हिज टेबल लैम्प, क्योंकि उसकी टेबल लैम्प खराब हो जाती है तो वह उसे बनाने के लिए उत्सुक होता है। मुकेश अपने टेबल लैम्प की मरम्मत के लिए अपनी विद्युत उपकरण किट का उपयोग करने के लिए उत्सुक था, तो जब उसकी टेबल लैम्प जब पढ़ाई कर रहा था बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसकी टेबल लैम्प खराब हो गई थी, काम नहीं कर रही थी, उसी को बनाने के लिए अपना जो टूल किट होता है जिसमें पाना पेचकस पिला सब कुछ रहते हैं, जिसमें सामान रखी रहती है कार्य करने की, उसको टूल किट कहते हैं, तो उसी को इस्तेमाल करने के लिए उत्सुक था। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, मुकेश किस प्रकार का कोर्स करना चाहता था। आंसर है, मुकेश वांटेड टू ज्वाइन अ कोर्स, मुकेश एक ऐसे कोर्स में शामिल होना चाहते थे दैट कुड हेल्प हिम टू टेक अप हिज हॉबी एज प्रोफेशन, जो उनके शौक को पेशे के रूप में अपनाने में उनकी मदद कर सके, तो उस प्रकार के वह अपने हिसाब से कुछ करना चाहते थे जिसमें वह अपने शौक और पेशे के रूप में अपनाने में समर्थक हो। क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है, नेम द इंस्टीट्यूट इन विच मुकेश गोट एडमिशन, उस संस्थान का नाम बताइए जिसमें मुकेश ने प्रवेश लिया था। आंसर है, मुकेश गोट एडमिशन इन टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुकेश को तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल गया। तो मुकेश जो अपना हॉबी यानी वह अपने हिसाब से एक कोर्स करना चाहते थे जिसमें वह अपनी शौक भी पूरा करे और अपना एक पेशा बना ले, और मुकेश को एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल गया था। क्वेश्चन नंबर एफ दिया गया है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम,
सही समय पर सही निर्णय लेना क्यों आवश्यक है? आंसर दिया गया है, इट इज नेसेसरी टू टेक द राइट डिसीजन एट अ राइट टाइम बिकॉज इट लीड्स टू सक्सेस। सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है क्योंकि इससे सफलता मिलती है। अ रोंग डिसीजन टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम कैन रिजल्ट इन रनिंग द फ्यूचर। किसी विशेष समय पर लिया गया एक गलत निर्णय भविष्य को बर्बाद कर सकता है, तो इसीलिए सही निर्णय लेना चाहिए जो सफलता की ओर पहुंचाता है, और गलत निर्णय लेने से पूरा भविष्य खराब हो जाता है। अगला दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर एज दे अपीयर इन द स्टोरी। निम्नलिखित घटनाओं को कहानी में दिखाई देने वाले क्रम में व्यवस्थित करें। उन्हीं कहने का मतलब है जो जो घटना इस कहानी में घटी है उसको सही क्रम में लगाना है। जैसे पहले क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या घटना हुई है, उसके बाद क्या घटना हुई है, तो उसको सही क्रम में लगाना है। और इसमें आगे पीछे दे दिया है, अब यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है, लेकिन इस तरीके से आपको लगाना है। द इलेक्ट्रीशियन अराइव्स यानी इलेक्ट्रीशियन आता है, द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग टेबल लैम्प काम करना बंद कर दिया, मुकेश स्टॉप द क्लास मुकेश क्लास में टॉप करता है, राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है, राकेश वेकेशन बिगिंस राकेश की छुट्टी शुरू होती है, मुकेश रिपेयर्स द लैम्प मुकेश दीपक की मरम्मत करता है। तो इसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, राकेश वेकेशन बिगिंस राकेश की छुट्टी शुरू होती है, क्योंकि तभी वह खुशी खुशी अपने घर जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा द टेबल लैम्प स्टॉप्ड वर्किंग, उसके बाद टेबल लैम्प खराब हो जाती है। राकेश गोज टू कॉल द इलेक्ट्रीशियन राकेश इलेक्ट्रीशियन को बुलाने जाता है, जब टेबल लैम्प खराब होती तभी जाता है बुलाने के लिए। मुकेश रिपेयर द लैम्प, उसके बाद मुकेश दीपक की मरम्मत करता है। द इलेक्ट्रीशियन अराइव, तभी इलेक्ट्रीशियन आता है। मुकेश टॉप द क्लास, मुकेश क्लास में टॉप करता है। यानी इसको सही क्रम में लगाना है, जो जो घटना पहले घटी हुई है उसको सही से लगाना है। आप चाहे तो अपने लेसन से पढ़कर इसको सही से लगा सकते हैं, फिर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। अब आगे दिया गया है, वर्ड पावर यानी शब्द शक्तियाँ। अनस्क्रेबल द लेटर्स टू फ्रॉम न्यू वर्ड्स एंड यूज दीज वर्ड्स टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंसेस। नए यहाँ पे है, नए शब्द बनाने के लिए अक्षरों को खोलकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। अब इसमें सब टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर अक्षर लिख दिया गया है, वो भी आपके बुक से, तो इसी को सही करना है, इसको कन्वर्ट करके इधर उधर करके सही करना है। जैसे यहाँ पे वेकेशन है तो वेकेशन को इधर उधर से लिख दिया है, तो वेकेशन यानी छुट्टियाँ, और इसी के साथ एक सेंटेंस बनाना है। आप चाहे तो अपने विचार से बना सकते हैं, नहीं तो इसको ध्यान से पढ़कर बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनाना है, इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन ये वेकेशन आना चाहिए। आई विल विजिट माई ग्रैंड माज प्लेस इन द वेकेशन, मैं छुट्टियों में अपनी दादी माँ के यहाँ जाऊँगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, या मैं छुट्टियों में और कहीं जाऊँगा, मैं छुट्टियों में शिमला जाऊँगा, ऐसे करके आप बना सकते हैं। अगला है क्यूरियसली यानी उत्सुकता से। आई वॉज वेटिंग क्यूरियसली फॉर माई बैटिंग टर्न, मैं अपनी बल्लेबाजी की बारी का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था। या यहाँ पे और कुछ बना सकते हैं, मैं अपने भाई का बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहा था। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। स्टेनली मतलब होता है शक्ति से। द टीचर आस्क्ड स्टेनली फॉर द कंप्लीटेड असाइनमेंट, शिक्षक ने पूर्ण असाइनमेंट के लिए शक्ति से पूछा। अगला है ईगर यानी उत्सुक। ही इज ईगर टू ज्वाइन आवर म्यूजिक बैंड, वह हमारे संगीत बैंड में शामिल होने के लिए उत्सुक है। अब यहाँ पे मत कहिएगा
राकेश वाज वेरी एक्साइटेड, या और चीज़ें जो कि इससे अलग हो के थोड़ा सा बनाना है। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा, माय ब्रदर इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन, मेरा भाई पेशे से वकील है। तो इस हिसाब से आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, या अपने बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं, या स्क्रीन शॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, आप क्वेश्चन कैसा भी हो उसको हल कर सकते हैं। अभ्यास भाषा, इसमें दिया गया है गिवन बिलो आर सम फ्रेजल वर्ब एंड दियर मीनिंग्स, नीचे दिए गए वाक्यांश क्रियाएं और उनके अर्थ दिए गए हैं, यानी कुछ इस प्रकार के होंगे। कॉल्ड आउट यानी आस्क समबॉडी टू कम, किसी को आने के लिए कहना। टेक अप यानी कुछ सीखना। लर्न सिट व्यवस्थित होना या सीखना या कहीं पर स्थापित करना। टू स्टार्ट गेट बैक वापस आना। टू रिटर्न यानी इसका ए है, इसका ए है और इसका ए है, इसका ए है। अब यहाँ पे फिर कहते हैं यूज द अबो गिवन फ्रेजल वर्ब इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग, ऊपर दिए गए वाक्यांश क्रियाओं का अर्थ निकालने के लिए अपने स्वयं के वाक्यों में प्रयोग करें। वन हैज बीन डन फॉर यू, आपके लिए एक किया गया है, यानी इसी चीज़ को अर्थ निकालने के लिए अपने हिसाब से वाक्य बनाइए और एक आपके लिए बनाया गया है। तो देखते हैं क्या बनाया गया, उसी हिसाब से सब बनाना है। कॉल्ड आउट, अब इसका कॉल्ड आउट दिया गया है तो उसके बाद लिखा गया था आस्क समबडी टू कम। दीपक्स फादर कॉल्ड आउट फॉर हिम, दीपक के पिता ने उसे बुलाया। उसके बाद टेकअप, टेकअप का मतलब होता है लेना। आई एम थिंकिंग टू टेकअप फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल फ्रेंच लेने की सोच रहा हूँ। सेटअप स्थापित करना। माई फादर विशेष टू सेटअप अ हेल्थ क्लब, मेरे यानी मेरे पिता का एक हेल्थ क्लब स्थापित करना चाहते हैं, यानी मेरे पिता एक हेल्थ क्लब स्थापित करना चाहते हैं। गेट बैक वापस आना। वी ऑल आर वेटिंग फॉर रमन टू गेट बैक टू द कैंप, वापस आओ यानी हम सभी रमन के शिविर में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से यहाँ पे और कुछ वाक्य बना सकते हैं। तो इसको केवल समझने के लिए इतना समझाया जाता है, तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बार बार रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, बढ़िया से लिखेंगे, पढ़ेंगे, याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरे लेसन का प्रश्न और उत्तर भली भांति समझ में आ गया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इस तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ना पढ़ना आए ना समझना आए तो भी आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके।